नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों एक नई वीडियो में। और दोस्तों आपको पता है चाय पत्ती का व्यापार, मसाले का व्यापार और बहुत सारे अलग अलग व्यापार की जानकारी दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के खास एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों एक ऐसी वीडियो जो कि वीडियो दोस्तों 5 मिनट की जरूर है लेकिन आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो मैं कहूंगा आपसे कि आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों ये बिल्कुल आप जब स्टार्टअप कर रहे हैं चाहे कोई भी बिजनेस हो सकता है दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों ये 5 मिनट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, काफी अच्छा एक मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश की है। और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि इसी टाइप की हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो है हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस में एंटर करते हैं और 2-3-4 महीने के अंदर वो अपना पैकअप कर लेते हैं। तो क्या इनके पीछे क्या वजह रहती है दोस्तों? आप लोग देखिए अपने नियर बाय भी दोस्तों बहुत सारे स्टार्टअप ओपन होते हैं, बहुत सारी शॉप्स ओपन होती है। मैं देखते रहता हूँ दोस्तों कि शॉप्स ओपन हुई, बढ़िया बैनर पोस्टर लगाया, नाम वगैरह लिखवाया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वहां से क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या वजह इनकी रहती है दोस्तों? कभी गौर किया है आप लोगों ने इन चीजों पर? क्या फेलियर रहता है कि कस्टमर नहीं आ रहे उनके पास, या वो लोग क्वालिटी प्रोड्यूस अच्छे से नहीं दे पा रहे जो उनको चाहिए देनी चाहिए, या फिर क्या उनको क्या ऐसा लगता है कि भाई अब बंद कर देना चाहिए कि अब मेरा नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों मैन कोई भी बिजनेस हो दोस्तों अगर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में अगर चल जाए ना तो पूरा भारत बिजनेस मैन ही हो जाएगा। आपको हर गली, हर डिस्ट्रिक्ट, गांव, छोटे मोटे स्टेट में सब जगह दोस्तों बिजनेस ही दिखेंगे, फिर लोग और काम करने बंद कर देंगे, सब लोग फिर बिजनेस मैन ही हो जाएंगे। फैक्ट है ये, एक्चुअली आपको इन चीजों को समझना चाहिए कि क्यों ये दिक्कतें आती हैं। लोग चाहते हैं कि उनको फर्स्ट मंथ से ही दोस्तों जो है एक अच्छी खासी अर्निंग मिले, या 2 महीने में उनका एक बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चल पड़े, जो ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट का काम लोग 50 साल से 20 साल से 10 साल से कर रहे हैं वो उनको 2 महीने में उनको रिजल्ट चाहिए। और ये हकीकत है दोस्तों, ग्राउंड की हकीकत है ये, बिल्कुल मैं ग्राउंड रिपोर्ट से आपको बता रहा हूँ जो लोगों से मेरे को सुनने को मिलता है फोन कॉल्स पे या फिर जब पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए जब लोग आते हैं तो यही सारे सवाल मेरे से डालते हैं लोग कि सर फलानी चाय चल रही है उसके टक्कर का काम करना है अपने को। चाय की मैं स्पेशली बात करूँ, आपका ऑब्जर्वेशन मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये होता है कि नहीं होता है, और आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग भी ऐसे सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कमेंट में जरूर मेरे को इन चीजों को बताना कि सर हम वहां से हैं और वहां पे वो चाय चल रही है और उस टाइप का अपने को काम करना है, अब 2 महीने में करना है, 4 महीने में ऐसे जमाना है कि उसकी 2000-4000 किलो बिकती है महीने की, अपने को भी 2000-4000 किलो महीने की बेचना है सर 2 महीने में ही काम शुरू करके। तो कैसे पॉसिबल है दोस्तों? आप खुद थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा के देखिए कि कैसे पॉसिबल है उसको वहां तक पहुंचने के लिए। हो सकता है 10 साल लग गए हो, 15 साल लग गए हो, या 5 साल लग गए हो। उसने कैसे मार्केट को समझा, कैसे उसने अपने मेहनत की, कैसे सप्लाई चेन बनाई, तब जाके वो आज जो है उतना माल जो है वहां पे बेच पा रहा है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी जो है पर डे की 5-5 क्विंटल की सेल है चाय व्यापारी में, पर डे 5 क्विंटल एक अपने आप में बहुत अच्छी सेल मैं कह सकता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोगों की पर डे 5 क्विंटल की सेल है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो वो जो पर डे 5 क्विंटल जो बेच रहे हैं आप उनको जानने की कोशिश करेगी वो कब से काम कर रहे हैं और उनका काम करने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। किसी को भी देख के आप काम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो वो तो बिल्कुल गलत काम है दोस्तों, वैसा काम करना ही नहीं है। वो 5 क्विंटल बेच रहा है, उसकी रेट क्या है, आप खाली उनको जानने की कोशिश करें। आप पहले दिन से उनके जैसे बनना नहीं है आपको कहीं पे भी, आपको अपना काम अपने तरीके से करना है, ये बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। किसी के भी आपको तरीकों को फॉलो नहीं करना है कि टाटा चाय 450 में बेच रहे हैं तो हम भी साहब 450 में चाय बेचेंगे। सर वो टाटा है, आपसे 450 में चाय कोई नहीं खरीदेगा, ये मेरी गारंटी है। और सभी टाटा भी नहीं पीते, आपको ये भी पता है, अगर सभी लोग एक ही ब्रांड चाय पीते तो मार्केट में हजारों चाय के ब्रांड चल रहे हैं, उनको कौन पिएगा? तो मतलब कस्टमर्स तो हैं दोस्तों, अब बस पहुंचना आपको उन तक कैसे है ये आपको तय करना है, अपने तरीकों से तय करना है, अपने हर एक सिस्टम को अलग से बनाना है दोस्तों। किसी को भी ऐसा नहीं है कि साहब मेरे को तो उसके जैसे काम चालू करना है, उसके जैसे पैकेट छपवा लिया, उसके जैसे सारा काम कर दिया, कुछ जाने पहचाने हैं नहीं और कूद गए साहब चालू कर दिया बिजनेस, लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेके समझना है चीजों को, समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन समझना आपको है और थोड़ा सा टाइम देना होगा। दी ऑल अबाउट पेशेंस दोस्तों,
बिजनेस में अगर हम बात करेंगे तो सारा खेल जो है वो पेशेंस का है। आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा टाइम आपने दिया तो फिर देखिए आप लोग दोस्तों जो बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आएंगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं और पेशेंस रखते हैं। क्योंकि कोई भी दोस्तों एक दिन दो दिन या महीने दो महीने छह महीने में बड़ा नहीं बनता। ये आप देख लो, भले आप अपने आजू बाजू में कोई भी जो बड़ा दुकानदार हो उसको देखो, उसने कब दुकान ओपन की थी जिसके रिजल्ट उसको आज मिल रहे हैं, या फिर किसी ने कोई छोटा मोटा धंधा चालू किया था वो कब किया था, तो उस टाइम तो ऐसा है नहीं कि उसके पास उतनी बढ़िया सेल थी लेकिन आज उसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप भी उसी के बाजू में दुकान लेके बैठ गए पहले दिन से उसके बराबर चालू करने की सोच ले, तो ये चीजें बहुत दोस्तों देखो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देने की जरूरत है। आप टाइम दें दोस्तों, गारंटी देता हूं आपको आप इस धंधे में सक्सेस होंगे। चाय का धंधा कैसा है दोस्तों, आप लोग अगर एक बार आ गए और रुक गए छह महीने तो कोई माइकल लाल आपको दोस्तों हटा नहीं सकता इस धंधे से। इतना इंटरेस्टिंग धंधा है ये, चाय इतनी बिकती है मार्केट में दोस्तों, चाहे सुबह हो शाम हो हर घर की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती रहेगी, तो मार्केट अपने पास खूब है, बेचने वाले भी खूब है तो पीने वाले भी खूब है। धीरे धीरे चाय का क्रेज जो है वो बढ़ ही रहा है दोस्तों मार्केट में। लोग दोपहर दो टाइम पीते थे अब चार टाइम पी रहे हैं, ऑफिस में अलग पी रहे हैं, घर में अलग पी रहे हैं, थड़ियों पे बैठ के पी रहे हैं, तो बढ़ ही रहा है अल्टीमेटली। मतलब मार्केट जो है कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है इस चीज को लेकर। तो आप लोग कंपटीशन की तरफ भी देखेंगे तो बस वही है, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कंपटीशन तो ज्यादा रहेगा ही दोस्तों। भाई आप अकेले थोड़ी को बेचने वाले हैं, मार्केट में सभी को अधिकार है धंधा करने का, लेकिन सभी सक्सेस नहीं होते, ये भी फैक्ट है दोस्तों। तो सक्सेस वही लोग होते हैं जो कि टिकते हैं, समझते हैं, सीखते हैं चीजों को, थोड़ा सा टाइम देते हैं ना तो दोस्तों जरूर चीजें जो हैं फिगर आउट होती हैं, और वो चीज जो वर्क करती है आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है आगे। तो दोस्तों आप यहां तक पहुंचे वीडियो को देखा आप लोगों ने, तो आई होप कि आपका जो थोड़ा सा कंसेप्ट है माइंड में क्लियर हुआ होगा कि आपको एक दो महीने तीन महीने की तरफ नहीं देख के अपनी जो मेहनत और आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको लगातार मेंटेन करके रखना है। आप छह महीने साल भर तक बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करें, अपना जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आराम से जो है एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा, और आप लोग का जो भी बिजनेस रहेगा दोस्तों वो मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से दोस्तों मार्केट में रन करेगा और आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट पहुंचाएगा। एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा नाम बनने के लिए दोस्तों थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक दिन बहुत जरूर जाता है। कि कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है, तो बस वो सोच के आपको जो है अपना जो काम है उसको करते रहना है। डे बाय डे आपने काम में इंप्रूवमेंट लाना है दोस्तों, अपने को किसी की कमियां नहीं निकालनी, किसी को ये नहीं देखना कि उसका तो वैसे है और मैं तो उससे बढ़िया दे रहा हूं तो भी मेरा ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, अपन को नहीं देखना हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। बस ये मैटर करेगा आपको कि मैं क्या दे रहा हूं मार्केट में, कस्टमर को क्या मांगना है जो मैं दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, दूसरे क्या देके जा रहे हैं अपने को, कोई किसी का नुक्ताचीनी का काम करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये विशेष ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आते हैं दोस्तों हमारे वीडियोस तो आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी ये चीजें सीखने को मिले, तो ये वीडियो को मैं कहता हूँ जरूर शेयर करें दोस्तों। आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं या तो या फिर अपने जो भी फैमिली ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें भेजें, ताकि जो भी कोई भी जो है एक दो महीने में बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी दोस्तों ये चीज जो है वो थोड़ी सी सीखने को मिल जाए, हो सकता है थोड़ी सी मोटिवेट कर दे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों वो हम अपने चैनल पे दोस्तों लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।